वेलकम बैक क्लास 9। आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने बात किया था कि जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं उनको हम शुद्ध या अशुद्ध कब कहेंगे। देखिए, नॉर्मली अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हम कह सकते थे कि अगर उसमें मिलावट नहीं है तो वो शुद्ध है। बट रसायन विज्ञान में हमने आपको एक अलग तरह की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? कि हम उन पदार्थों को ही केवल शुद्ध कहेंगे जिनमें उपस्थित सभी कणों के गुण क्या होंगे? समान होंगे। देखिए, वही एक परिभाषा लिखी है कि रसायन विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कणों के गुण समान होते हैं। इस चीज की परिभाषा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए, मेनली आज हमको यहाँ पे बात क्या करना है, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा जाता है। मतलब शुद्ध पदार्थ जो है उनको दो प्रकार से विभाजित करते हैं। कौन कौन से भाग में? एक होता है हमारा तत्व और हमारा दूसरा होता है यौगिक। तो हमको यहां पे जो फर्दर आगे पढ़ना है, शुद्ध पदार्थ तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज हमको क्या पढ़ना है? तत्व और यौगिक। तो हम सबसे पहले यहां पर बात शुरू करेंगे तत्व से। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व होता क्या है, तत्व का क्या उपयोग होता है, तत्व क्या होता है, ये सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है? अब जैसे हम तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्व के बारे में आप लोग कुछ चीजें पढ़े होंगे। तत्व के पहले आप लोग थोड़ा सा परमाणु अणु ये सब पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो अभी यहां पे क्लियर हो जाएगा। वे अगर हम आपसे कहें तत्व क्या होता है तो आप सीधे लिखेंगे वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कौन से पदार्थ होते हैं? तत्व तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बना होता है। ठीक है, उन कणों को हम क्या कहते हैं? तत्व परमाणु द्वारा मिलकर बना होता है। तो तत्व किन किन कणों के द्वारा मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं। एक सामान तत्व के सभी कण समान होते हैं तथा उनका रासायनिक गुण भी समान होता है। ठीक है, तो अब क्या है, हम बात कर रहे थे तत्व की, तत्व किनके द्वारा मिलकर बने हैं। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। एक हम कोई
कोई भी चीज ले लेते हैं, आपके घर का सरिया ले लेते हैं, जो भी चीज आपको पसंद हो, आपको लोहा पसंद है, सोना पसंद है, चांदी पसंद है, ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमने उस चीज को तोड़ना शुरू किया तो तोड़ेंगे 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 अंत में जाके एक छोटा सा कण मिलेगा। जैसे हमने लोहा को तोड़ा तो लोहा के अंदर से बहुत छोटे छोटे कण मिलेंगे और अंत में एक बहुत छोटा सा कण मिलेगा। और फिर से जितने कण हमने तोड़े सबको एक एक करके हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लोहे का एक कण का गुण है, मतलब एक काला है तो दूसरा भी काला। देखिए रासायनिक गुण तो हम ऐसे नहीं बता सकते, ओरली हम लोग नहीं बता सकते कि रासायनिक गुण क्या होता है, पढ़ के ही बता सकते हैं या एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। बट अगर हम भौतिक बातें करें, भौतिक गुणों की, भौतिक गुण मतलब जिन्हें हम देख के आकार की बात करें, जो चीज हम देख के कर सकते हैं, तो भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण तो आप लोग घर पर भी जांच कर सकते हैं। तो जितने भी कण मिलेंगे लोहे के सबके सभी का आकार क्या होगा, एक होगा, रंग क्या होगा, एक होगा। तो यहां पे क्या है, हमने वही लिखा कि एक समान तत्व के सभी कण समान होते हैं तथा उनका रासायनिक गुण भी समान, रासायनिक इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, रासायनिक तथा भौतिक गुण भी समान होता है। मतलब यहां पे क्या है, रासायनिक गुण मतलब उनके अंदर के जो गुण है वो किसी चीज, रासायनिक गुण आप लोग अभी कुछ वक्त बाद अभी पढ़ेंगे, तो रासायनिक गुण से क्या मतलब होता है कि कोई कण किसी दूसरे कण के संग अभिक्रिया करके क्या करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नया बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो वो चीज हम क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। कि जब भी वो दो कण आपस में मिलकर कोई नया कण बनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, और उसी को रासायनिक गुण भी कह सकते हैं। और भौतिक गुण मतलब जो आप उनकी आकृति देख रहे हैं, जो आप इनका आकार देख रहे हैं, जो आप उनकी संरचना देख रहे हैं उसको हम कहेंगे। ठीक है, देखिए इतनी बात हो गई, कुल 118। देखिए तत्व की जो बात हम करेंगे तो हमको तत्व की बात कर रहे हैं तो कितने तत्व ज्ञात हैं, कुल 118 तत्व अब तक ज्ञात हैं। मतलब कितने प्रकार, कितने तत्व हैं अब तक हम लोग को जो पता है, 118। सत्ताईस तत्व मानव निर्मित हैं। 118 में से जो अब तक हमें कुल 118 तत्व ज्ञात हैं उसमें से 27 तत्व कैसे हैं, मानव निर्मित है, और बाकी तत्व कहां से पाए जाते हैं, बाकी तत्व हमारे भूपर्पटी से पाए जाते हैं, मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर से। आपको वो कोई भी तत्व मिलेगा तो उसको आप कहां से खोद के निकालोगे, आप पृथ्वी के अंदर से, हो सकता है पत्थर के रूप में। मतलब क्या हुआ, आपके सामने कोई पत्थर रखा है, आप किसी को फेंक के मारे तो फेंक के मत मारिए, हो सकता है उसके अंदर क्या हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, हीरा तो नहीं होगा, सोना भी मुश्किल ही होता है, बट मान लीजिए कि जितने भी तत्व हमको मिल रहे हैं सब कहां से मिल रहे हैं, भूपर्पटी से मिल रहा है, भूपर्पटी किस रूप में मिल रहा है, पत्थर के रूप में, तो उसके अंदर कोई भी तत्व हो सकता है। इतनी बात क्लियर है आपको, तो आप तत्व के बारे में समझ गए, तत्व के हमने बेसिक चीजों के बारे में आपको बता दिया कि तत्व जो होते हैं, तत्व का तत्व को हम कैसे पहचानेंगे, कि तत्व के जितने भी कण होंगे सबके सभी की जो आकृति होगी, जो रासायनिक गुण होंगे सब एक प्रकार के होंगे। मतलब आपके घर का सोना, हमारे घर का सोना, आपके पड़ोसी के घर का सोना, चोर के घर का सोना, पुलिस के घर का सोना, सबके सभी के घर के सोने का रंग क्या होगा, पीला होगा। जो सोना का गुण उसके घर में होगा वही सोने का गुण हमारे यहां भी होगा, वही आपके पड़ोसी के यहां भी होगा। क्लियर है बात, मतलब जितने भी तत्व, क्योंकि देखिए सोना जो है एक तरह का तत्व है, आप ये समझ लीजिए सोना जो है एक तरह का तत्व है, और हमने अभी आपको बताया कि तत्व के जितने भी कण होंगे या जितने भी परमाणु होंगे सबके सभी का गुण क्या होगा, समान होगा। एज एग्जाम्पल मैंने बताया लोहे की बात करें, सभी घर में लोहा लगता है, जो आपके घर का लोहा होगा वही हमारे घर का लोहा होगा, सबका गुण समान होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, हम आगे चलेंगे, अब हम तत्व को बांट देंगे, हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हमने शुद्ध पदार्थ को बांटा, शुद्ध पदार्थ को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, कौन कौन से, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। अब हम बात करेंगे तत्व की,
तो देखिए ध्यान दीजिए, तत्व को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। तत्व को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। तत्व को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तीन प्रकार से। कौन कौन से? धातु, अधातु और उप धातु। क्लियर है? धातु, अधातु और उप धातु। हम एक काम करेंगे, यहीं पे एक टेबल बना लेंगे जिससे हम चीजों को तुरंत ही पढ़ते चले, बार बार उसको चीज को ना पढ़े। तो सबसे पहले हम टेबल में देखिए, हम हमारे पास जो आवर्त सारणी है, जब कुल कितने तत्व ज्ञात थे, अभी हमने जस्ट पहले आपको बताया है कि कुल हमको 118 तत्व ज्ञात है। 118 तत्वों में सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो होते हैं धातु, फिर होते हैं अधातु और फिर होते हैं उपधातु। तो उपधातु को हम थोड़ा नहीं लेंगे क्योंकि उपधातु की आपके इस क्लास में बहुत ज्यादा नहीं टॉपिक्स है, तो केवल हम यहां पे दो चीज की बात करेंगे, धातु और अधातु। थोड़ा इसको बीच में ले चलते हैं। अधातु और धातु। देखिए अब धातु और अधातु में आप पहचान कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम भौतिक गुणों की बात करते हैं, भौतिक गुणों की। तो धातु सदैव ठोस अवस्था में होते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि धातु जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। अधातु तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए यहां पे एक चीज और कर लेते हैं, इसके आगे एक और चीज बढ़ा देते हैं, इनके गुण, जिस गुण की बात कर रहे हैं तो उसको हम लिख देते हैं गुण धर्म। गुण धर्म की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमने किसकी बात की? भौतिक, हमने भौतिक अवस्था की बात की थी। मतलब हम किस अवस्था में उसको हम देख रहे हैं, तो भौतिक अवस्था में सबसे पहले हमने बात की कि जो धातु होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? तीनों रूप में। तीनों अवस्था मतलब ठोस भी हो सकते हैं, द्रव्य भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अगली चीज क्या है? आघात वर्धनीयता। अब देखिए आप कहेंगे आघात वर्धनीयता क्या होता है? जैसे हम कोई चीज को लेकर हथौड़ा से पीटना शुरू करें, पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे, अगर पीटेंगे तो आप देखते रहे वो चद्दर बन जाएगी। जानते हैं ये चीज कि अगर हम कोई चीज को हथौड़े से लेकर पीटना शुरू करें, जैसे लोहार लोग क्या देखे होंगे ना कि वो पहले चीजों को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद पीटने लगते हैं, पीटने लगता हूं, पीटते पीटते वो क्या बन जाता है? इतने से मान लीजिए इतना बड़ा सा ब्लॉक था, इतना बड़ा सा कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक था आयताकार में, वो फैल के एक चद्दर बन जाएगा। तो देखिए इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। तो लिखेंगे धातु पीटने पर चद्दर बन जाता है। मतलब अगर हम धातु को पीटेंगे तो पीटने पे क्या बन जाएगा? वो पीटने पर
चद्दर बन जाएगा। अब देखिए है क्या, धातु को पीट के हम क्या कर सकते हैं, चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातु के संग यह संभव नहीं है। मतलब अगर हम अधातु के कोई भी पदार्थ को पीटेंगे तो जैसे पीटेंगे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब वो चद्दर नहीं बनेगा। अगले गुण की बात करते हैं, तन्यता। अब आप कहेंगे तन्यता क्या होता है, तन्यता ये गुण होता है किसी भी वस्तु का, ये गुण होता है कि अगर हम उसको खींचने लगे, खींचना समझते हैं, एक तरफ से आपके मम्मी पकड़ ले, एक तरफ आपसे पापा पकड़ ले, खींचने लगे क्या होगा, फट जाएंगे ना। अरे नहीं फटिए, खुशी इतना नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा दोनों लोग प्यार कर रहे हैं, कई बार पिटाई करने के लिए भी खींचा जाता है, ठीक है। तो तन्यता का गुण होता है जब भी कोई चीज को हम खींचें तो खींचने पे क्या होता है, तार बन जाता है। आपके घर में तार लगे होते हैं ना, हमेशा जो तार होते हैं धातु के होते हैं, क्यों, क्योंकि धातु में एक और गुण पाया जाता है, खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब धातु को अगर हम खींचेंगे तो खींचने पे वो क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। और अधातु की बात करें तो यह संभव नहीं है। मतलब क्या है हमारा कहना, कि जो धातु के गुण होंगे अधातु उसका विपरीत गुण शो करेगा, मतलब उसका जो भी गुण होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा। अगले गुण की बात करते हैं, लिखते चलिएगा इसको, नोट्स बनाते चलिएगा, चमक। इनमें विशिष्ट चमक पाई जाती है। इनमें क्या होता है, धातुओं में चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होती। तो यहां पे क्या है, इनमें चमक पाया जाता है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होता है, कुछ कुछ छोड़ के। अब कुछ में कौन कौन आएगा, यहां पे आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट। मतलब यहां पे ये तीन ऐसे अधातु हैं जैसे आयोडीन, डायमंड। आयोडीन हम कहां पाते हैं, आयोडीन आप लोग नमक के अंदर पाया जाता है, डायमंड मतलब हीरा, हीरा किसका बना होता है, हीरा जो होता है कार्बन का बना होता है, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट रॉड का कई जगह यूज होता है रोकने के लिए चीजों को। तो इन ये तीन ऐसे अधातु जिनमें चमक पाया जाता है, लेकिन जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं सबके सभी में चमक वाला गुण पाया जाता है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें चमक नहीं होता। इसको पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक दो गुण और बात करेंगे। देखिए हम इन गुणों की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप इन गुणों के माध्यम से पहचान पाएंगे वो धातु है कि अधातु है। मतलब ये सभी गुण होने चाहिए, अगर धातु है तो जितने गुण मैंने आपको लिखवाए हैं, जैसे हमने पहले को लिया, हमको पता नहीं वो धातु है कि अधातु है, तो अगर हमने उसको हथौड़ा लेकर पीटना शुरू किया, अगर वो चद्दर बन गया तो धातु है, पकड़ के खींचे तार बन गया तो धातु है, उस पर रोशनी डाली वो चमकने लगा, चमकने लगा तो वो धातु है, और अगर नहीं चमकेगा तो धातु नहीं है। क्लियर है बात, मतलब जितने गुण दिखा रहे सबके सभी गुण उसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे।
अब अगली बात है ध्वनि की। ध्वनि मतलब आवाज। धातु किसी वस्तु से टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है। मतलब अगर धातु किसी वस्तु से टकराया तो आवाज उत्पन्न करेगा, मतलब उसके अंदर से कोई प्रतिध्वनि या ध्वनि आएगी। और अधातु इसका क्या होगा? उल्टा होगा। आपको हमने बताया कि जो धातु का गुण है, अधातु हमेशा उसका विपरीत गुण दिखाता है। मतलब अगर अधातु किसी वस्तु से टकराएगा तो ध्वनि नहीं आएगा। अधातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। मतलब जो धातु है वो किसी वस्तु से टकराया तो क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा। और अधातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। अभी आखिरी पॉइंट है ऊष्मा तथा विद्युत चालकता। ऊष्मा के बारे में आप जानते हैं? ऊष्मा कौन? ऊष्मा मतलब गर्मी, किसी चीज के अंदर ताप। जैसे आप लोग कभी रोटी सेकते हो या रोटी सेक लेना चाहिए, लड़के भी आजकल सेकने लगे रोटी, क्या पता शादी के बाद बहुत काम आता है, पता ही नहीं पता है। तो रोटी आप सेकते हो, कभी आप देखते हो चिमटा, तो आप देखते हो जो चिमटा का फ्रंट पोर्शन एकदम आगे का ही पोर्शन है वही केवल आग में रहता है, लेकिन चिमटा जो होता है पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए किसी को बिजली का झटका लगे तो चिमटा ले जाकर आप छुआ दीजिए, उससे क्या होगा? आपको भी झटका मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, धातु जो होते हैं उनमें ऊष्मा और विद्युत चालक होते हैं, मतलब वो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को बहने देते हैं। चालकता का मतलब ये होता है अपने अंदर से वो प्रवाहित होने देते हैं, बहने देते हैं। तो ऊष्मा जो है धातु के अंदर प्रवाहित हो जाता है, विद्युत धातु के अंदर प्रवाहित हो जाता है, लेकिन अधातु के अंदर वो प्रवाहित नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? धातु ऊष्मा तथा विद्युत चालक होते हैं। मतलब धातु जो है ऊष्मा और विद्युत को अपने अंदर से क्या कहने देता है? तो धातु विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं? चालक होते हैं। लेकिन अधातु कैसे होते हैं? जो हमारे अधातु होते हैं, अधातु अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को जाने नहीं देते हैं, इसलिए कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते क्लियर है। तो यहां पे हम धातु और अधातु के बीच में अंतर करना सीख गए। क्या क्या अंतर करना सीखे? सबसे पहला भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या था? अगर ठोस है तो धातु है, ठोस द्रव गैस है तो अधातु है। तो इससे क्लियर नहीं होगा कि वो धातु है क्या धातु है। अगले गुण की बात करते हैं। अगला गुण अघात वर्धनीयता। अगर हम वस्तु को पीटेंगे और पीटने पर वो चद्दर बन जाए तो धातु है, पीटने पर चद्दर ना बने तो अधातु है। खींचने पर तार बन जाए, तन्यता, जो गुण जिस गुण की हम बात करेंगे तन्यता, खींचने पर तार बन जाए तो वो धातु है, तार ना बने तो अधातु। मतलब जो गुण धातु का उसका विपरीत कर दीजिए तो वो उसकी बात है। अगर प्रकाश पड़ने पर चमके, उसमें कोई भी तरह की चमक आए तो क्या है? धातु है। प्रकाश पड़ने पर वो ना चमके तो
अधातु है। क्लियर है बात। अगला गुण था ध्वनि, पीटे किसी वस्तु से उसको पीट दिया, आवाज आई, आवाज किया तो अधातु है, आवाज नहीं किया तो अधातु है। उसके अंदर से विद्युत और ऊष्मा बहने लगे तो चालक है तो धातु है, चालक नहीं है तो अधातु। क्लियर है। तो इतने गुणों की हम इसलिए बात करें कि आप चीजों में कंफर्म कर सके कि वो धातु है कि अधातु है। अब इनका एक बार पिछड़ा हुआ भाई है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दो बार दो प्रकार की बात, दो लोगों के बारे में बात कर ली है। आप चाहिएगा तो इन दोनों को अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि जितने गुणों की बात करेंगे धातु के सब गुण इधर थे, अधातु के सभी गुण इधर थे, तो आप दोनों को अलग तरीके से लिख सकते हैं या टेबल बना के लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आएगा तो दो के दोनों के बीच में आपस में आपको तुलना करना पड़ सकता है, तो इस हिसाब से मैंने करवा दिया। अब इनका एक जो पिछड़ा हुआ भाई है उसकी बात कर देते हैं, उप धातु। ऐसे तत्व जिनमें कुछ गुण धातु के हो तथा कुछ गुण अधातु के हों। मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम तत्व के तीसरे प्रकार की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, इनके जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें से कुछ गुण किसके पाए जाते हैं, धातु के पाए जाते हैं, और कुछ गुण किसके पाए जाते हैं, अधातु के पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, इसके बारे में बहुत ज्यादा हमको नहीं देखना है, नॉर्मल सा था। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप लोग आवर्त सारणी देखना जानते हैं तो आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीचों बीच जो पाए जाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंटीमनी और आर्सेनिक। एंटीमनी और आर्सेनिक जो होते हैं ये दो के दोनों हमारे उपधातु हैं। आर्सेनिक को हम एआर से दिखाते हैं, एंटीमनी को एसबी से दिखाते हैं, तो ये दो के दोनों टोटली सात या आठ तत्व ऐसे होते हैं जो उपधातु होते हैं। बाकी जितने होते हैं वो क्या होते हैं, या तो धातु हो गया या अधातु हो गया। क्लियर है बात। तो यहां पे हमारा जितना भी तत्व हमको पढ़ना था वो हमारा पूरा खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे यौगिक। तो हमने यहां पे जितने भी तत्वों के गुण की बात थी सब हमने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर काफी लंबा हो गया, 28 मिनट के लगभग पहुंच चुका है, तो हम इसको यहां पे खत्म करेंगे। हमने सोचा था कि तत्व और यौगिक दोनों की बात एक साथ कर लेंगे, बट इतना आसान नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम यौगिक की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अब आपको ये दोनों नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है। देखिए आप लोग जिस तरह तत्वों की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो जैसे ये सब क्या है, तत्व है। ये तत्व के संकेत हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, जहां तक आप पढ़ सकते हैं। तो उनमें से बहुत आगे चलने का हमको एंटीमनी और आर्सेनिक भी मिलेगा, तो आप इन दोनों को भी, जो ये है इन्हीं का गुण ये भी है। ये परमाणु क्रमांक 1 से हमने 12 तक लिखा है, ये आगे आपको चलने पर मिलेगा, तो ये भी एक प्रकार के तत्व है। क्लियर है। नोट्स क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यौगिकों की। हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा पूरा पूरा किस पे बनाएंगे, यौगिक पे। तो तब तक आज के लिए हम आप लोग से अलविदा चाहेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।